अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ इंसास चैनल से कनाडा लाइफस्टाइल के साथ, और ये मेरी पुरानी वीडियो है जो मैं लगाना भूल गई थी। जो वीडियो मैं लगा देती हूँ यूट्यूब पर, उसको बाद में मैं अपने फ़ोन से डिलीट कर देती हूँ, तो ये जो रह जाती हैं वीडियोस, तो अभी आजकल क्योंकि मैं घर पे हूँ, और घर मतलब ये कि घर में वेली हूँ, काम नहीं है, बिस्तर पे पड़ी हुई हूँ मजबूरी है, क्या करूँ, इतनी वीकनेस हो गई है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो बीमारी ने ना बिल्कुल, इसने कोरोना ने तो मुझे तोड़ के रख दिया, और फिर उसके बाद वॉमिटिंग ने मेरी हालत बिल्कुल ही जो है ना बस ऐसी कर दी है कि कोई काम नहीं हो रहा। इतने दिन हो गए, बाज़ार से खाना आ रहा था, और कल मैंने उठकर रात में जो है ना चने की दाल और गोश्त बनाया है। तो ये सारी पुरानी वीडियोज़ हैं, मैं और इस सार कहीं ना कहीं जाते रहे हैं, तो ये वो वीडियोस मैंने लगाई हुई हैं। तो बहरहाल तबीयत तो पहले से बेहतर है, लेकिन वीकनेस बहुत है। लेकिन कुछ भी हो जाए, भांडे जो हैं वो हमें ही मांझने हैं, तो वो भांडे जो हैं वो निक्के होंदे हैं भी भांडे, तो वड्डे होंदे हैं भी भांडे, इत्थे पेकियां भी भांडे, उत्थे सहुरियां भी भांडे हैं। तो क्या बताएं कि जी हमारी तो ज़िंदगी ही पांडो पांडी हो गई है, हैं। तो बस जी, बर्तन मरो या जियो, वो तो हमने खुद ही उठकर ही धोने हैं। तो बच्चे तो जाहिर है अपना अपना कामों पे चले जाते हैं, और फिर थके टूटे रात को आके सो जाते हैं। तो मेरे मियाँ ने मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने मेरे लिए बहुत किया, खाना भी पकाया उन्होंने। अभी इतवार वाले दिन भी वो उन्होंने दाल चावल बनाया था, और डेली वो बाज़ार से ले आते हैं खाना खुद ही, कि मेरी बीवी को प्रॉब्लम ना होए। तो लेकिन बहरहाल आज जो है मैंने, आज मेरी तबीयत बहुत बेहतर है, तो आज मैंने जो है पकाया है खाना, मैंने बनाए हैं नूडल्स। तो ये वीडियो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सारी पुरानी वीडियोस हैं जो मैंने लगाई नहीं थी, तो वॉइस ओवर भी मैंने दो दफ़ा में तीन दफ़ा में कर रही हूँ, क्योंकि जो है ना एक दफ़ा थोड़ी सी वॉइस ओवर करके छोड़ देती हूँ, फिर आगे से शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना कोई काम करूँ। तो बस घर का भी थोड़ा बहुत करना पड़ रहा है, साथ साथ चल रहा है, और ये तीन दिन से वीडियो बन रही है जो कंप्लीट नहीं हुई अभी तक। तो बहरहाल ये बॉन मिल्स की वीडियो है जो मैंने क्रिसमस के दिनों में बनाई थी, और ये वेदर है कनाडा का जो चेंज हो रहा है, ये देखें एकदम से ही बर्फ़बारी पड़ना होना शुरू हो गई है। तो अच्छा भला मौसम हो जाता है, और फिर दोबारा जो है बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है। तो ये सुबह सुबह का वक्त है, वेरी ब्यूटीफुल। खूबसूरत लग रहा है, बादल है हल्के हल्के, इस कदर खूबसूरत आवाज आ रही है ना इसकी, हवा के साथ लहराते हुए। आज इसमें मछलियाँ नहीं है, Thank you.
यहाँ जिसमें मछली कोई नज़र नहीं आई है, उन्होंने मछलियाँ ख़त्म कर दी वरना इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ आती हैं। मछलियाँ किधर है? मछलियाँ किधर गई? भाग गई तो एक ही थी, वो भी भाग गई। किधर गई मछली? चलो जी, एक ही मछली थी, वो भी भाग गई है भाई। वो इधर से नीचे से यहाँ से इधर से नीचे से उधर चली गई है, इधर आ रही है। इसलिए नजर नहीं आ रही, इधर से दिखाओ। ये देखो इधर शायद नजर आ गए, और बल्कि दूसरी तरफ का नजर आ रहा है। ये देखो एक्वेरियम की अदर साइड नजर आ रही है। ये क्या ही नहीं बनाया,
सारा फिशिंग और हंटिंग वगैरह का सामान मिल जाता है। ये ना दूसरी साइड है, मैं उस तरफ खड़े होकर बना रही थी, ये वाली इस तरफ वाली साइड, दोनों साइड है, नजर आती है आर पार। बाहर निकले, ये देखें से एंट्रेंस है और वापस जो है आप उधर से आएंगे घूम के। आज का वेदर देखें कितना अच्छा हो रहा है। आज क्या तारीख है? टायरों से उन्होंने इतना अच्छा बनाया, स्नोमैन बनाया है, मुख्तलिफ साइज के टायर लेके ना केक बनाया। केक नहीं है, स्नोमैन है। देखे तो सही, उसकी नाक को देखें। नाक कहाँ है? उसके उसकी नाक नजर नहीं आ रही आपको? नहीं, मेरे को दिख ही नहीं रहा। मेरे कैमरे में देखें, वो देखें उधर वाले में। अरे इधर इधर मेरे मोबाइल के कैमरे में स्नोमैन नजर नहीं आ रहा, टायरों से बनाया है। अच्छा, वो देखे, ये देखे, ये टायर सारे वाइट करके ना, छोटे बड़े साइज के, ये ऊपर तले रख के, ये देखिए स्नोमैन बनाया है।